कॉमिक का आरसीबी और मुंबई वालों, तुम ऐसे करोगे प्लेऑफ में जाने की तैयारी? देख लिया नीता चाची, तुम लोगों ने हमको टीम से निकाल करके बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने पिछली साल भी आईपीएल ट्रॉफी जीती, इस साल भी आईपीएल ट्रॉफी जीताएंगी, तुम्हारी टीम कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। हमें बताओ भी बताओ शर्मा जी, तुम ऐसे करोगे प्लेऑफ में जाने की तैयारी ट्रॉफी जीतने की? तुम दो दो बार गोल्डन डक पर आउट हो गए, पिछले मैच में पंजाब के खिलाफ और कल के मैच में सीएस के खिलाफ, तुम कैसी बल्लेबाजी करते हो? लुल्ल बल्लेबाजी। हमें अंबानी चाचा हमारी मानो तो अगली साल हमको एमआई का कप्तान बना दो, रोहित भाई से कुछ ना हो पाएगा। देखो हमने 10 मैच खेले जिसमें हमारी टीम सिर्फ 3 मैच में हारी, 7 मैच में जीती, और तुम्हारी एमआई की टीम 5 मैच में जीत करके 5 मैच में हार गई। कैसे लुल्ल कप्तानी कर रहे रोहित भाई? तो हमें काम का हार्दिक पांडुरंगा, तू हमरे जले पर नमक छिड़क रहा है, हमरे आधे से ज्यादा वैसे भी खिलाड़ी चोटिल पड़े हैं। जसप्रीत बुमराह वो नहीं खेल रहा, हार्सर से गेंदबाजी नहीं हो रही, और कल के मैच में तिलक वर्मा भी चोटिल हो गया था, तो हम क्या घंटा कुछ उखाड़ पाएंगे? मैं शर्मा जी तुम टेंशन नहीं लो, आज तुम तिलक वर्मा को ऐसा बूस्टर डोज लगाओगे कभी भी चोटिल नहीं होगा, कभी भी मैच मिस नहीं करेगा। इसी की वजह से कल तुम सीएसके के खिलाफ रन नहीं बना पाए, आज हम तिलक वर्मा को बूस्टर डोज लगा करके बिल्कुल ठीक कर दूंगी। मैं सुन रही हूँ, तिलक वर्मा को तो तुम बूस्टर डोज लगा करके ठीक ठाक कर दोगी, लेकिन शर्मा जी की फॉर्म कैसे वापस आ पाएगी? इसको कौन सा डोज लगाओगे? अगर शर्मा जी की फॉर्म वापस नहीं आई तो हमारी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, इस साल भी आईपीएल ट्रॉफी जीतने का सपना अधूरा का अधूरा रह जाएगा। हमें ए जी तुम टेंशन नहीं लो, रोहित वा के लिए भी हम कोई ना कोई डोज का इंतजाम करेंगे, अगर इसी तरीके से रोहित वा गोल्डन डक पर आउट होता रहेगा तो हमारी टीम के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा, इसलिए रोहित शर्मा जी के लिए भी हम कोई ना कोई डोज का इंतजाम जरूर करेंगे, उसकी फॉर्म वापस आ जाए। और बताओ किंग कोहली तुम्हारे क्या हाल है?